हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्मी सूरज की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो मैं कहीं जा रही हूँ, जहाँ जा रही हूँ इसके लिए आप सबको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। एक्चुअली जो मेरी कंडीशन है उससे मेरे पतिदेव भी परेशान हो गए थे और सब लोग, बाकी घर वाले, मेरे लॉज मतलब मेरे सास ससुर भी। मुझे तुरंत के तुरंत, जैसे उनको पता चला कि मेरे पापा की तबीयत नहीं सही है, तो उन्होंने तुरंत के तुरंत मुझे भेजा कि नहीं, हाँ जाओ, तुम्हारा थोड़ा सा वहाँ पर देख के होगी, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। और मेरे पापा यहाँ से फ़ोन किए थे और गांव से फ़ोन किए और बस रोने लगे कि बेटा मेरा मन है कि तुम आ जाओ। तो बस मैं कुछ नहीं सोची, ऑन द स्पॉट मैं निकल पड़ी अपनी अपने पापा के लिए। और मेरी जो कंडीशन थी, मैं बहुत परेशान थी, मैं शायद वो चीज़ें मैं कैप्चर कर भी नहीं पाती हूँ। तो मैं अकेले ही निकली जो है फटाफट से। उसी दिन मेरा टिकट हुआ, उसी दिन मैं ऑन द स्पॉट, और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि उसी दिन की टिकट में, क्योंकि भीड़ कम था, उसी दिन टिकट में मुझे मिल गया। अगर टिकट ना मिलती तो बाई प्लेन आती, नो डाउट, लेकिन टिकट तुरंत से तुरंत अवेलेबल था, तुरंत मिल गया। तो बस फटाक से वहाँ से निकली। और मैं आपको बताऊँ, मैं पूरी रास्ते ट्रेन में के टाइम में मैंने कुछ भी नहीं खाया, भी कुछ भी नहीं, यार मन ही नहीं था मेरा, क्योंकि मेरा मन बहुत उदास था, मैं बता नहीं सकती है शब्दों में। तो जो भी 5-7 मिनट की जो क्लिप थी वो रिकॉर्ड थी, तो मैंने ऐड कर लिया। बहुत शॉर्ट नोटिस में निकली, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोटिस में निकली, आप समझ लीजिए। मैं जैसी थी एज इट इज़ घर से निकल ली तुरंत, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था यार, मेरा एकदम दिमाग पूरा अपर थबड़ मची थी। उसके बाद ये रास्ते की कुछ क्लिप्स थी जो मैंने रिकॉर्ड की थी, और थोड़ी बहुत ही रिकॉर्ड हो पाई थी। और मैं बताऊँ आपको, अगर ब्लॉग में बने रहोगे तो ही आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, कैसे आना हुआ मेरा। जो है मैं यूपी जा रही हूँ, मैं अभी बता रही हूँ आपको, मैं फाइनली मैं यूपी जा रही हूँ। और अभी मोस्टली मुझे 3 से 4 महीने हुए थे आए हुए, मुझे रैंडमली निकलना पड़ा, क्योंकि मैं कुछ अमेजन नहीं था, कुछ भी सोच के नहीं रखा था, बस मुझे आना पड़ा तत्काल, क्योंकि कंडीशन ही वैसी हो गई कि मैं कुछ भी सोचने समझने की कंडीशन में नहीं थी। बस मुझे नहीं, मुझे लगा बस मुझे मेरे पापा को देखना है, बस मुझे जाना है। तो बस ये लखनऊ से फिर मैंने बस ली फटाक से, क्योंकि भाई मेरा बहुत परेशान था, मैं कोई किसी को परेशान करके कोई मतलब ही नहीं निकलता यार। तुरंत ही मैंने कहा मैं बस करके आ जाऊँगी, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी नहीं था। मैं फिर बस ली तुरंत फटाक से, फिर बस जैसे ही उतरी तुरंत भाई मिला मुझे, यहाँ पे वेट कर रही हूँ, और यहाँ पे मेरा भाई आ गया है। और बस मेरी जो आप मेरी हालत देख के खुद ही आइडिया लगा सकते हैं, जो कि मैं फर्स्ट टाइम था मेरी लाइफ में जो मैं इस तरह से अबड़ दबड़ में भागी एकदम से, क्योंकि भगवान ना करे यार इतना दूर होना इस जगह पे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा था। शिखर मेरा आ गया, और बस ये मुझे लेगा और मैं यहाँ से जाऊँगी डायरेक्ट। मैं यहाँ से सीधा कहाँ जा रही हूँ, मैं यहाँ से डायरेक्ट मैं अपने पापा के पास जा रही हूँ। और ये रायबरेली के पावन धरती में मैं पहुँच चुकी हूँ। सच में यार मेरे यूपी की हवाओं में ना कुछ अलग ही जादू है, अलग ही एक मतलब अलग ही है, मतलब बचपन बीता है ये बोल सकते हो इसकी वजह से। हाँ, जो सुकून मुझे कहीं नहीं मिलता वो आके मुझे इधर मिलता है। ये भी है कि भाई मतलब मायका किसी जन्नत से कम नहीं है मेरे लिए। अगर कहीं शिमला की टिकट हो और मायके की टिकट हो तो मैं मायके की टिकट चुनना पहले प्रेफर करूँगी, भले वो 2-4 दिन के लिए ही हो मेरे लिए, लेकिन बहुत कीमती है। और बस मैंने कहा मुझे पहले ले चलो फटाक से, मुझे पापा को देखना है। मैं जैसी थी, क्योंकि मुझे सुकून उनको देखने के बाद ही आना था यार। और सच में जैसे मैंने मेरे पापा को देखा, मेरे पापा ने मुझे देखा, एक अलग ही था, मतलब क्या बोलूँ, जैसे ना उनकी कोई जान थी जो उनसे दूर थी।
कि, और मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मेरा दिल दिमाग सिर्फ नहीं था वहाँ पे, लेकिन हाँ मेरा मन नहीं लग रहा था। नहीं, मेरे पापा ने सच में बहुत किया है, बहुत किया है। हर पेरेंट्स करते हैं, मैं ये नहीं करते हैं, लेकिन हाँ मेरे पापा ने हर चीज़ से ऊपर रख के हमारी हर ख्वाहिश पूरी की है। तो आज मैं यहाँ हूँ, मैं मेरे पापा की वजह से हूँ। मैं शब्द नहीं है, मेरे पापा चले मेरे पास, मैं इमोशनल हो जाती हूँ बस। लेकिन सच में भले ही सबसे ज़्यादा झगड़ा भी मैं ही करती हूँ पापा से, मेरे लिए भी सच्चाई इसीलिए शायद मैं दूर हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा मुझे खलता है मेरे पापा के लिए कि नहीं, मेरे पापा को अगर कुछ होता है तो लगता है मेरे किसी ने मेरे जान में मार दिया हो, ऐसा लगता है। बस मुझे ये नहीं पता, बस मैं ये चाहती हूँ, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन हाँ मैं मेरे इन फ्यूचर बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप का दिल ना दुखे, मेरे किसी भी पेरेंट्स का दिल ना दुखे यार, बस बस। और ये मैं पहुँच गई हॉस्पिटल, मुझे इतना ज़्यादा बुरा बुरा लगता है ना जब मेरे पापा को कुछ भी होता है ना, तो मुझे वो झगड़ा पापा से करना, वो हर एक चीज़, वो प्यार, वो अटेंशन पाना, हर एक चीज़ मुझे याद आता है। वो जो उनका मतलब प्यार के थ्रू डांटना, वो सब चीज़ याद आता है। और सच बताऊँ ना, इस टाइम पे जो मेरे घर में सबसे ज़्यादा चट्टान बन के खड़ा रहा है मेरा भाई, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मुझे, हम सबको मतलब बहुत प्राउड फील होता है। आज ऑन कैमरा मतलब बोल रही हूँ कि कभी कभी तो लगता है यार ये मुझसे 6 साल छोटा है, और ये इसके पास इतनी समझ, इतने कहते हैं ना समय सब कुछ बना देता है, तो बस वही हाल है, इसको भी समय ने हर एक चीज बना दिया है। ये है मेरे से छोटा, लेकिन हर एक काम ऐसा रहता है ना, सर बड़ा भाई भी ना करे, उतना सोचता है उतना करता है। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि ये मेरा भाई है, मैं इसकी बहन हूँ। सच में दिल से मैं हर जन्म में ऐसा भाई मानती हूँ, ऐसे पेरेंट्स मिले मुझे, मैं बहुत लकी मानती हूँ इनकी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की वजह से मुझे वो मिला जो बहुत कम लोगों को मिलता है, मुझे मेरी दिखाई का प्यार मिला। तो बस यहाँ पे मैं फाइनली पहुँचने वाली हूँ पापा के पास। और मैं आपको बताऊँ, वहाँ कैमरा वगैरह अलाउ नहीं था, बट थोड़ा बहुत जो रिकॉर्ड हुआ है वो मैंने किया है। अगर मैं बता नहीं सकती यार बहुत मेरा, हाँ अगर आप लोग जानना चाहोगे कमेंट करोगे क्या हुआ कैसे हुआ, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन प्रॉपर उसका एक वीडियो बनाऊँगी कि मेरे पापा को क्या हुआ था, मुझे क्यों बड़तबड़ में आना पड़ा। पर हाँ बस बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थी, ये समझ लो वो पल पल कटना पड़ा मुश्किल था। यहाँ पे मम्मी ने मुझे गले लगाया, यहाँ पे मेरे पापा एकदम रोने लगे, इमोशनल हो गए थे बहुत ज़्यादा, मैं भी बहुत ज़्यादा। ये देखो इतना बीमार है लेकिन मेरा पैर छूना नहीं भूलेंगे, पर तब पता नहीं क्या है मेरे पापा को, मैं हाँ वो हमेशा ये इमोशनल हो जाते, मैं यहाँ खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, मैं पापा को हक कर ली क्योंकि पापा को ज़्यादा हिला नहीं सकती थी, तो मन नहीं मना था। पर फिर भी मैंने जो भी ये बन गया था चुपके से, तो बस वही है मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। यहाँ पे डॉक्टर नर्स वगैरह आई हुई है पापा का प्रॉपर, वरना ऑपरेशन हो चुका था, और थैंक्स टू गॉड सक्सेसफुली ऑपरेशन था मेरे पापा की। तो वीडियो थोड़ी भी आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ आई मेक श्योर आप लोग लाइक जरूर करके, सब्सक्राइब करके, शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।